लोकसभा चुनाव के दो चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन तीसरे चरण के रण से पहले आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। हालांकि अब आरक्षण की सियासत पर गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर ये संग्राम और धारदार हो गया है। आरक्षण की रार अब दिल्ली से तेलंगाना तक पहुंच गई है। अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और जनता से इसकी जानकारी देने की अपील कर रही है। जो लोग भाजपा से एनडीए से मुद्दों के आधार पर सच्चाई के आधार पर अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एडिटेड वीडियो की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है और पुलिस ने फर्जी वीडियो बनाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इस बीच दिल्ली पुलिस हैदराबाद पहुंची और अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तलब किया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सीएम रेवंत रेड्डी को अपने मोबाइल के साथ 1 मई को दिल्ली में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है, सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हमारे करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी इनकम टैक्स सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। रेवंत रेड्डी को तलब करने पर कांग्रेस भी एक्शन में है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी इसी तरह से बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर फेक न्यूज और मॉर्फ वीडियो वायरल करने के भी आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री शाह के फर्जी वीडियो मामले में कई जगहों पर केस दर्ज किए गए हैं और इसी कड़ी में असम पुलिस ने भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। असली और ओरिजिनल वीडियो में गृहमंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों के लिए असंवैधानिक आरक्षण हटाने की बात कही थी। असल में वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर मुसलमान शब्द को हटा दिया गया, जिसके बाद ये दुष्प्रचार फैलाया गया कि गृहमंत्री अमित शाह एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं। लोकसभा की जंग में आरक्षण के मुद्दे पर पहले ही सियासत का शोर गूंज रहा है, वहीं इस पर राहुल गांधी के बयान के बाद जुबानी जंग और तेज हो गई है। कांग्रेस ने संविधान पर खतरे का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर आरक्षण के नाम पर संविधान से खिलवाड़ करने और तुष्टिकरण के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? एससी एसटी ओबीसी का कटा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरक्षण का मुद्दा सियासत की थूरी बन चुका है। कांग्रेस का दावा है कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो आरक्षण खत्म कर देगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर एससी एसटी और ओबीसी का हक मारने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते अब देश में एससी एसटी के अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। एक और बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में तलवारा समुदाय को एसटी का दर्जा दिया था। कर्नाटक में 3 लाख से ज्यादा परिवारों को हक्कू पत्र दिए गए, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने संविधान बदलने, एससी एसटी ओबीसी का हक छीनने का अभियान शुरू किया है। मैं मेरे दलित भाई बहनों को, मैं मेरे आदिवासी भाई बहनों को, मैं मेरे ओबीसी भाई बहनों को आज गारंटी देता हूं, मैं कांग्रेस के ऐसे किसी मंसूबों को सिद्ध नहीं होने दूंगा।
फिलहाल लोकसभा चुनाव में मतदान के 5 दौर अभी बाकी हैं, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी दल आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति करने में एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी मंच से विवादित बयान दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से ये एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मुख्तार और अतीक के नाम पर वोट मांगे और आपको माफिया की मौत को कुर्बानी भी बताया था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जियाउर रहमान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, चुनावी मंच से विवादित बयान देने पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। माफिया की मौत को कुर्बानी बताया था, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांग रहे थे, जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज की गई है। संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है जियाउर रहमान। तीसरे चरण के रण में सभी जुटे हैं, लेकिन ऐसे में संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के विवादित बयान ने एक बार फिर सियासत को गर्मा दी है। जियाउर रहमान बर्क ने चुनावी सभा में माफिया अतीक और मुख्तार की मौत को कुर्बानी का नाम देते हुए बीजेपी से सावधान रहने को कहा। देखिए इस रिपोर्ट। प्रदेश और देश के अंदर पूरे मुल्क में है, किसी से डरे छुपे हुए नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं, और इंशाल्लाह इस इलेक्शन के अंदर तुम्हारा इज्जत फेल करने का काम करेंगे। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो प्रदेश की हुकूमत भी मुझे उम्मीद है ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी बेसाखी पे टिक नहीं पाएगी। कोई अतीक अहमद के नाम पर वोट मांग रहा है, तो कहीं मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट की फरियाद की जा रही है। किसी को माफिया से हमदर्दी है, तो कोई नाम ये बगैर माफिया का जिक्र कर रहा है। और इन सब के बीच एक बात नोटिस करने वाली ये कि ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं और 2024 के इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। जियाउर रहमान संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और ये किसी से छिपा नहीं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की पॉलिटिकल हिस्ट्री समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही है। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने दें। संभल के जिस मंच से अखिलेश ने इस चुनाव को देश के भविष्य का चुनाव बताया, उसी मंच से समाजवादी पार्टी के नेता सैकड़ों परिवारों की खुशियों को मातम में बदलने वाले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को वोट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क की पहचान शफीकुर रहमान के पोते और संभल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर है, लेकिन सियासी मंच से भड़काऊ बयान को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जब जिंदा थे, तब समाजवादी पार्टी ने इनके आतंक को अपनी सत्ता का जरिया बनाया, और अब इनकी मौत को सियासी सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। इन माफियाओं की मुस्लिम वर्ग में पैठ मानी जाती रही है, और इस समुदाय का एक तबका ऐसा है जो इनके कहने पर वोट करता था। मुख्तार और अतीक अपने प्रभाव वाले इलाके में खौफ की बिना पर वोट इधर से उधर करवाते थे, और कई लोग इन माफियाओं के कहने पर इसलिए वोट डालते थे क्योंकि वो गुर्गों के तौर पर काम करते थे। अब इन्हीं तीनों तरह के वोटरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता माफिया का नाम ले रहे हैं, और ये सब जानते हैं कि यूपी में माफिया राज का खात्मा हो चला है। संभल में 7 जून को मतदान होगा। अखिलेश की पार्टी को लगता है कि अगर यूपी में योगी के मिशन 80 को रोकना है, तो फिर अतीक मुख्तार की मौत की सिंपैथी कार्ड और डराने धमकाने की रणनीति ही काम कर पाएगी। इसलिए प्लान यही है कि माफिया कार्ड चलाकर वोटरों को अपने पाले में लाया जाए, और इसे जस्टिफाई करने के लिए नई नई थ्योरी गढ़ी जा रही है। ऐसे फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं जिसे बीजेपी के कार्ड बताया जा रहा है। यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी चौतरफा घिर चुकी है।
मुख्तार अंसारी मर गया, अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया, मगर उसके नाम पर जिस तरह की राजनीति अखिलेश यादव की पार्टी कर रही है और जिस वोट बैंक के लिए जानबूझकर भड़काऊ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो इस बात पर मुहर है कि सियासी गलियारों में इन माफियाओं को जिंदा रखने की हरदम कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जियाउर रहमान के विवादित बोल आपने सुने। इधर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के माफिया प्रेम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के ही लोग एक माफिया की मौत पर कैसे घड़िया की आंसू बहाते हैं आपने अभी देखा होगा। एक माफिया के मरने पर हत्या करने के लिए संवेदना न व्यक्त कर सकते हो और माफिया के बनने पर खतिया पढ़ते हो, क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या ये लोग जाति का सहारा लेंगे लेकिन परिवार तक सीमित हो जाएंगे। और चलिए बात करते हैं कुदरत के कहर की। हम बात जम्मू कश्मीर के रामबन की कर रखे गए हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड की वजह से तीन मकान इसकी जद में आ गए हैं। रामबन में आए दिन इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा के वो देखने को मिल रही है। करोल इलाके में पहाड़ी का एक हिस्सा गिरा है और लैंडस्लाइड में तीन मकान ध्वस्त हुए हैं। पहाड़ी के दूसरे हिस्से के गिरने की भी आशंका नजर आ रही है। लैंडस्लाइड में एक बच्चे की जान चली गई है। तो जम्मू कश्मीर के रामबन की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसे कुदरत कहर बनकर यहाँ बरप रही है। और सीधे ग्राउंड जीरो से गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी उनके पास जाना चाहेंगे। गुरसिमरन, रामबन में लैंडस्लाइड हुई है, क्या जानकारी इस समय मिल पा रही है? ओवर टू यू। देखिए आपको बता दें कि रामबन जिले में जो है कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई है। इस वक्त हम कैफेटेरिया मोड़ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं, जहां से कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कि किस तरह से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ट्रैफिक को रिज्यूम किया जाए, क्योंकि सड़क पर जो है 5 से 10 फीट तक जो लैंडस्लाइड है वो यहाँ पर आ गई है। ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, भारतीय सेना की बात जाए, लगातार सब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कोशिश यह है कि जल्द से जल्द इस ट्रैफिक को रिज्यूम किया जाए। लेकिन ठीक सामने का इलाका अगर सरजीवन आपको दिखाएं।